नमस्कार, आज हमारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। जो हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ऐसी अपडेट के बारे में बताएंगे कि सीएम का पेज क्यों फंसा हुआ है, सीएम चेहरे को लेकर क्यों फंसा हुआ है, तो इस मुद्दे को लेकर हम चर्चा करेंगे। तो इस मुद्दे के लिए जिस प्रकार से हमने आंकलन किया है वो सारी चीज़ें आपको अवगत कराएंगे, बिल्कुल बारीकी से अवगत कराएंगे। बालकनाथ कौन है, बालमुकुंदाचार्य कौन है, प्रतापपुरी जी जो संत है वो कौन है, कोटाराम जो देवासी हैं वो कौन है, उनके सब के बारे में सब चीज़ें बताएंगे और सीएम का चेहरा कौन होगा उसके बारे में भी आपको अवगत कराएंगे। तो आप बारीकी से इस चीज़ को देखना समझना। हो सकता है योगी आदित्यनाथ जी हैं वो यूपी से हैं और यहाँ बालकनाथ जी हैं तो राजस्थान से, दोनों ही नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। योगी आदित्यनाथ जी नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए हैं और बाबा जो बालकनाथ जी हैं वो भी नाथ संप्रदाय से। अभी ये योगी है क्या, इनकी क्या स्थितियाँ हैं, ये कौन है, कैसे हैं, क्या रहे हैं, क्या नहीं रहे हैं, हम इनके बारे में आज चर्चा करेंगे। क्योंकि ये जो बाबा बालकनाथ जी हैं तो ये योगी का रूप देख रहे हैं, तो ये है क्यों, इसका कारण क्या है, क्या इनके तेवर योगी की तरह हैं, क्या इनके काम करने का तरीका योगी की तरह है, क्या सीन ऐसा है, तो हम बात कर लेते हैं एक बार कि जो बाबा बालकनाथ जी हैं वो कौन है। ये बाबा बालकनाथ जी का जन्म हुआ था अपने अलवर जिले के मुराना गाँव में, और ये यादव समाज से बिलोंग करते हैं, जो ओबीसी में आते हैं, जो यादव समाज से बिलोंग करते हैं। इन्होंने 6 साल की उम्र में ही संन्यास ले लिया था। जब 6 साल की उम्र में इन्होंने संन्यास लिया तो उसके कुछ दिनों बाद में हनुमानगढ़ जो जिला है तो वहाँ एक चांदनाथ जी वो महंत हुआ करते थे, उनकी जाके इन्होंने शरण में जाके उन्होंने इनसे वहाँ से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा प्राप्त करने के बाद में जो इनके जो महंत थे चांदनाथ जी वो भी राजनीतिक में सक्रिय है, हो सकता है कि इनको वहीं से राजनीतिक सीखने का मौका मिला हो। चांदनाथ जी ने जब 2004 में अलवर के एक बैरोड विधानसभा क्षेत्र है इसमें इन्होंने इलेक्शन लड़ा, जो उपचुनाव हुए थे 2004 में, तो उस समय जब इलेक्शन लड़ा तो ये बहुत भारी मतों से विजय बनकर आए चांदनाथ जी। फिर उसके बाद में जब चांदनाथ जी मंत्री थे तो उन्होंने फिर दोबारा से एक बार लोकसभा का इलेक्शन आया 2014 के अंदर, तो 14 के अंदर इन्होंने बीजेपी से भारतीय जनता पार्टी ने इनको टिकट दी, टिकट दे के, और इन्होंने उस समय भी जो कांग्रेस के दिग्गज लीडर माने जाते हैं जितेंद्र कुमार जी, जो राहुल गांधी के भी बिल्कुल नज़दीकी थे, सोनिया गांधी के बिल्कुल नज़दीकी थे, तो उनको हरा कर भारी मतों के साथ ये वो वहाँ से जीत गए। फिर उसके बाद में जब भी 2016 में उसी दरियान 2016 में बाबा बालकनाथ जी को वो चांदनाथ जी जो मंत थे उनका उत्तराधिकारी भी बना दिया गया। फिर जैसे जैसे ये दिन निकलते गए तो 2017 में चांदनाथ जी जो थे वो उनका निधन हुआ 2017 में निधन होने के बाद में फिर उपचुनाव हुए लोकसभा किए, तो उसमें इनको हार का सामना देखना पड़ा। तो जब इलेक्शन 2019 में लोकसभा के इलेक्शन आए तो नाथ समुदाय जो था तो नाथ समुदाय का प्रकोप अलवर में बहुत अच्छा मिला, अच्छा देखने को मिला, तो उन्होंने 2019 में फिर इनको बालकनाथ जी को लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी थी। ये भारी बहुमत ये जीत गया है अलवर से, और अलवर से जीतने के बाद में इनका राजनीतिक करियर स्टार्ट हुआ। जैसे राजनीतिक करियर स्टार्ट हुआ तो अभी 2023 में जब ये विधानसभा के इलेक्शन आए तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगा हो कि ये नया चेहरा है, सीएम के लिए है, जबकि इनकी अगर अपन बात करें तो इनकी एज भी ज़्यादा नहीं है, इनकी एज भी 39 साल है। मात्र 39 साल में इन्होंने राजनीतिक करियर का है। आज भी अब प्रजेंट में अगर 39 साल की उम्र हुई है, 40 भी नहीं हुई, हो सकता है ये सीएम भी बन सकते हैं। लोग इनको देख रहे हैं सीएम के नाम के, भाई सीएम बन सकता है ये। अब अपन एक बार अपन बात कर देंगे क्योंकि सीएम क्यों देख रहे हैं, किस लिए देख रहे हैं या कारण क्या है, तो हो सकता है कि इनके तेवर योगी की तरह उनका काम करने का तरीका हो, जबकि इनके बयानों में बयान जो ये देते हैं वो सुर्खियों में, इनके बयान बड़े सुर्खियों में रहते हैं। ये जो गलत तरीके से काम करने वाले, चाहे वो प्रशासनिक डिपार्टमेंट हो, चाहे बदमाश हो, चाहे गुंडागर्दी किसी प्रकार की हो, तो वो उनका बिल्कुल खुली चेतावनी इन्होंने दे रखी है कि जो गुंडागर्दी करने वाले, तानाशाही करने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी कंडीशन में नहीं बख्शा जाएगा। तो हो सकता है कि योगी की आदित्यनाथ जब इन्होंने नामांकन भरा था विधायकी के लिए तो योगी आदित्यनाथ खुद आए थे यहाँ, और इसीलिए ये मान रहे हैं कि हो सकता है कि ये बहुत बड़ा चेहरा हो सकता है, दूसरा योगी हो सकता है, योगी के तेवर, योगी के काम करने के तरीके को ये ऐसा लग रहा है कि हमें राजस्थान में भी हो सकता है कि योगी ही दूसरा ही योगी हो सकता है।